तो कहानी की शुरुआत में यूक्रेन की पुरसकून जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिकोला नाम का एक आदमी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीवी के साथ रहा करता था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मिकोला की बीवी आर्ट्स ड्राइंग किया करती थी। वो लकड़ी को तराश कर चीजें बनाया करती थी। वो लकड़ी का एंजल फरिश्ता बनाकर मिकोला के बाजू पर बांध देती है। मिकोला पास वाले स्कूल में मैथ्स पढ़ाया करता था। वो अपनी साइकिल पर बच्चों को पढ़ाने जाता था। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज नहीं थी। जब वो स्कूल में होता था तो ब्रेक के वक्त टीवी पर खबरें सुना करता था। ऐसे ही एक दिन वो टीवी पर खबर सुनता है कि रशिया में लोगों को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहती है। अब ये खबर सुनने के बाद मिकोला अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने चला जाता है, जहाँ पर वो बड़े ही प्यार से बच्चों को पढ़ाया करता था। पर यहीं पर इस क्लास में एक बदमाश लड़का था जो मिकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो हर वक्त इन इरादों में रहता था कि कैसे मिकोला को स्कूल से बाहर निकाला जाए, पर उसने कभी भी उस लड़के की हरकतों पर गुस्सा नहीं किया था। एक दिन मिकोला जब स्कूल पढ़ाने जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ सोल्जर्स फौजियों को देखता है, जिन पर ये ज्यादा ध्यान तो नहीं देता और स्कूल चला जाता है। पर जैसे ही ये स्कूल आता है तो देखता है सारा स्कूल खाली था। तभी ये टीवी पर खबर सुनता है कि रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है और यहाँ पर कब्जा करना चाहती है। अब मिकोला को समझ आती है, जो इसने रास्ते में फौजी देखे थे वो रशिया के थे। पूरे मामले को देखते ही ये फौरन से अपने घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी बीवी घर पर अकेली थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब ये घर पहुंचता है तो देखता है रशियन फौजी उसकी बीवी को मार रहे थे, और जब मिकोला अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है, फौजी उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। मिकोला उनसे कहता है, प्लीज मेरी बीवी को मत मारो, वो माँ बनने वाली है। पर वो कुछ भी नहीं सुनते और उसके घर को आग लगाकर जाने लगते हैं। अपने घर को जलता देखकर उसकी बीवी जैसे ही उठकर उन फौजियों पर पत्थर मारने लगती है, तो एक रशियन फौजी उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से मिकोला की बीवी मर चुकी थी। मिकोला अपनी बीवी की लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोता है। तभी तो यूक्रेन के फौजी आते हैं। वो उसकी पहचान करने के बाद उसकी बीवी की मौत पर बहुत अफसोस कर रहे थे, और उसकी बीवी के लिए कब्र खोदकर मिकोला से कहते हैं कि अपनी बीवी को यहाँ पर दफना दो। अब मिकोला अपनी बीवी को दफना कर अपने घर को देख रहा था। रशियन फौजियों ने उसकी बीवी को भी मार दिया था और उसके घर को भी जला दिया था, इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था। वो रशियन फौज से बदला लेना चाहता था, इसलिए अब वो यूक्रेन के फौजियों से कहता है कि प्लीज मुझे भी आर्मी में शामिल कर ले, मैं भी फौजी बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो फौजी मिकोला को अपने साथ ले गए थे, पर जाने से पहले मिकोला अपने पास लकड़ी का एंजल रख लेता है, जो उसकी बीवी ने उसकी हिफाजत के लिए बनाया था। जब ये बेस पर आता है तो यहाँ के कमांडर इसको आर्मी में शामिल नहीं करते, कहते हैं कि क्या पता ये कोई जासूस भी हो सकता है। पर मिकोला कमांडर को बताता है कि रशिया की फौज ने मेरी आंखों के सामने मेरे घर को जला दिया और मेरी बीवी को भी मार दिया, इसीलिए मेरे पास जीने की अब कोई वजह नहीं है। मैं रशिया की फौज को मार कर ही सुकून का सांस लूंगा। मैं अपने मुल्क को बचाऊंगा ताकि रशिया की फौज यहाँ पर किसी और के घर को ना उजाड़े। ये सुनकर कमांडर मिकोला को आर्मी में शामिल करने के लिए तैयार हो गया था। उसकी ट्रेनिंग अब शुरू हो जाती है। मिकोला को बंदूक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब सभी फौजी बंदूक को असेंबल कर रहे थे, उनके हिस्सों को जोड़ रहे थे, तो मिकोला उनके सामने सबसे ज्यादा देर में बंदूक को असेंबल करता है, जिससे सभी फौजियों को ये लग रहा था कि मिकोला कभी भी अच्छा फौजी नहीं बन पाएगा। मगर मिकोला अपनी सारी जान अपनी ट्रेनिंग पर लगा रहा था ताकि वो अच्छे से अच्छा फौजी बन सके। एक दिन ऐसे ही जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे मिकोला कहकर मत बुलाएं, मुझे रेविन कहीं। तभी उसके सीनियर उस पर हंसने लगते हैं, कहते हैं खुफिया नाम ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते, उसके लिए इंसान को मेहनत करना पड़ती है। अब मिकोला पूरी जान से ट्रेनिंग कर रहा था। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे, तो तब भी मिकोला अपनी प्रैक्टिस करता रहता था। एक दिन उनका कमांडर सबसे कहता है कि हमारे पास स्नाइपर निशानेबाज की कमी है, कौन है जो तुम में से स्नाइपर बनना चाहता है। इनमें से बहुत कम लोग थे जो अपना हाथ ऊपर करते हैं, इन्हीं में से मिकोला भी था जो अपना हाथ ऊपर करता है। सभी उसे देखकर हंस रहे थे। कमांडर उसे कहता है, तुम्हें तो बंदूक भी सही तरह से असेंबल नहीं करने आती, तो तुम क्या स्नाइपर बनोगे। मिकोला कहता है, मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हो। कमांडर उसको टेस्ट लेते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में
हमें इस बंदूक को असेंबल करना होगा। अपने गोला अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक को जोड़ना शुरू करता है और सिर्फ 18 सेकंड में उसने बंदूक को असेंबल कर दिया था। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। जो लोग पहले इस पर हंस रहे थे वो अब इसके लिए तालियां बजा रहे थे। इसके बाद में कोला के स्नाइपर की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वो जी जान लगाकर स्नाइपर की ट्रेनिंग कर रहा था। वो दिन भी आ गया था जब सभी स्नाइपर्स को उनकी बंदूकें दी जाती हैं। जहाँ पर सबको अच्छे मॉडल की बंदूकें दी गई थी वहीं पर मैं कोला को पुरानी बंदूक दी जाती है जो सही से काम भी नहीं करती थी। जब मैं कोला अपने सीनियर से कहता है कि सर मुझे भी नई बंदूक चाहिए तो उसका सीनियर उसे गुस्से से जवाब देता है। कहता है कि पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो तभी तुम्हें बंदूक दी जाएगी। अब सबकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। इनका सीनियर सबसे कहता है जब तुम अपना निशाना लगा रहे होगे तो तुम्हें चाहे कोई भी परेशानी आ जाए तुम अपने टारगेट से नहीं हिलोगी और अपने टारगेट पर पूरा ध्यान लगाकर निशाना लगाओगी। सीनियर सभी के पास बारी बारी जाता है और सबके पास गोलियां चलाता है। जो भी स्नाइपर जरा सा भी गोली लगने के डर से हिलता है उसको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया था। जब सीनियर मैकोला के पास जाकर गोली को चलाता है तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो जरा सा भी नहीं हिला था। जब वो अपने टारगेट पर निशाना लगा रहा था तभी सीनियर उसके पास आकर कहता है कि तुम अपने टारगेट को सिर्फ एक दफा ही देख सकते हो और उसकी आंखों के आगे कुछ रख देता है। अब मैकोला जब निशाना लगाता है तो उसका निशाना चूक गया था। मगर सब जानते थे कि अगर मैकोला को नई बंदूक दी जाती और आंखों के आगे कुछ न आता तो उसका निशाना लग जाता। रात को स्नाइपर का नाइट शूट टेस्ट होता है जिसमें इन्हें रात के अंधेरे में अपने टारगेट को देखकर उस पर निशाना लगाना था। ये फ्लेयर गन को चलाकर सबको एक ही बार उनका टारगेट दिखाया जाता है। सब निशाना लगाते हैं पर मैकोला निशाना नहीं लगाता। वो अपने दिमाग में फासले को देखकर मीटर का अंदाजा लगाकर फिर निशाना लगाता है जिससे उसका निशाना बिल्कुल ठीक लगता है जो आज तक किसी ने नहीं किया था। वो मैकोला ने कर दिखाया था। सबका अब रिजल्ट आ चुका था। सीनियर मैकोला को सैल्यूट करता है और कहता है तुम पास हो चुके हो। जिसके बाद कर्नल मैकोला से कहते हैं सभी जरूरी सामान को पैक कर लो तुमने एक जरूरी मिशन पर जाना है। मैकोला का पहला मिशन ये था कि पास ही एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा किया हुआ था जिसको इन लोगों ने उनसे छुड़वाना था। मैकोला अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। इन सबको एक एक टारगेट दिया गया था। सभी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं जहाँ पर बैठकर इन्होंने निशाना लगाना था। जब ये इन पर शूट करने वाले थे तो देखते हैं एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही थी। कर्नल सबको गोली चलाने से मना करते हैं। वहीं पर रशियन आर्मी गाड़ी को रोक लेती है जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहा था। रशियन आर्मी ने उन लोगों का पासपोर्ट ले लिया था और उन्हें काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये देखकर कर्नल सभी स्नाइपर को गोलियां चलाने का कहता है और एक ही झटके में सभी स्नाइपर रशियन आर्मी को मार गिराती है। इनका पहला मिशन पूरा हो गया था। ये सभी खुशी खुशी अपने बेस पर वापस आ गए थे। जब मैकोला अपने बाकी साथियों को देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे पता चलता है कि वो दूसरे मिशन पर है। मैकोला को ये भी पता चल गया था कि उस मिशन में इसके बहुत से साथी भी मर गए हैं और उन सबको एक ही रशियन स्नाइपर ने मारा है जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिन के बाद इनका दूसरा मिशन भी शुरू हो गया था। ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रशियन आर्मी कब्जा करने वाली थी। सबसे पहले मैकोला हर जगह पर अपने साथियों के साथ बॉम्ब लगा देता है और फिर घास में छुपकर रशियन आर्मी का इंतजार करने लगता है। कुछ वक्त के बाद रशियन आर्मी उधर आने लगी थी तभी मैकोला देखता है उन रशियन फौजियों में मैकोला का एक स्टूडेंट भी था जो स्कूल में इसे परेशान किया करता था। ये वही बदमाश लड़का था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। जैसे ही कर्नल इन्हें शूट करने का कहते हैं तो मैकोला थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि ये अपने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था। पर फिर भी ये अपने सभी जज्बात को साइड पर रखकर गोली बम वाली जगह पर चला देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी रशियन फौजी मारे जा चुके थे। बाद में कर्नल जब मैकोला के पास आते हैं तो पूछते हैं तुम क्या सोच रहे थे। मैकोला बताता है कि उन रशियन फौजियों में मेरा एक स्टूडेंट भी था। कर्नल कहते हैं कि वो उस लड़के ने चुना है कि वो गद्दारों में शामिल हो गया इसीलिए तुम्हें उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये वापस से बेस पे आ चुके
चुके थे। कर्नल ज्यादातर अपना वक्त अपने कोला के साथ ही गुजारते थे, क्योंकि अब कर्नल पूरी तरह से मैकोला पर यकीन करने लगे थे। कर्नल मैकोला को बताते हैं कि मेरी दो बेटियां हैं और उन्हें नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर हूँ। उनको मैं ये कहकर आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ और मेरी बीवी ने भी मेरी बेटियों को नहीं बताया। ये सुनकर मैकोला भी अपनी बीवी की कर्नल को आखिरी निशानी दिखाता हुआ काफी दुखी हो जाता है। अब इसके बाद फिर से ये अपने अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं। ये लड़ाई काफी बड़ी थी। सभी स्नाइपर्स छुपने के लिए एक गहरी खाई खोदते हैं और उसमें अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। ये यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि रशिया के कुछ फौजी यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। यहीं पर कर्नल भी मैकोला के साथ थे। तभी यहाँ पर मैकोला देखता है उनमें वो फौजी भी था जिसने इसकी बीवी पर गोली चलाई थी। वो मैकोला के बिल्कुल निशाने पर था। कर्नल से पूछता है क्या मैं इस पर गोली चला सकता हूँ। कर्नल कहता है नहीं। मैकोला फिर पूछता है क्या मैं इस पर गोली चला सकता हूँ, क्योंकि वो अपनी बीवी का बदला लेना चाहता था। मैकोला का तो मिशन ही यही था कि वो अपनी बीवी का बदला लेना चाहता था। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस फौजी पर गोली चला देता है। पर इसके बाद रशियन आर्मी को इनका पता चल चुका था। कर्नल मैकोला से कहते हैं ये तुमने क्या किया। तभी एक स्नाइपर कर्नल पर शूट करके उसे भी मार देता है। सब रशियन फौजी इन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। मैकोला कर्नल की लाश को बेस पर ले आया था पर बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसकी गलती की वजह से कर्नल मारा जा चुका था। मैकोला ने अब ये कसम भी खाई थी कि वो उस स्नाइपर को कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल गया था। उसको उस स्नाइपर की जगह के बारे में भी पता चल जाता है। वो अब अपने टारगेट को फिक्स करके एक स्नाइपर को मार गिराता है, पर वहाँ पर एक स्नाइपर मैकोला पर गोली चला देता है जो उसको लगती तो नहीं पर वो जख्मी हो गया था। लेकिन स्नाइपर को भी मैकोला ने मार दिया था। अब क्योंकि वो जख्मी था इसलिए खुफिया जगह पर जाकर अपने जख्म के ठीक होने का इंतजार करने लगता है। तभी उसे अपने हेड की कॉल आती है जो बताते हैं कि हमें उस स्नाइपर का पता चल चुका है जिसने कर्नल को मारा था, तुम जल्दी से बेस पर आ जाओ। मैकोला अब बेस पर आ चुका था। जब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो इन्हें बताया जाता है कि वो स्नाइपर बहुत ही खतरनाक है, उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा। हेड यहाँ पर ये भी बताते हैं कि वो पहले यूक्रेन के फौजियों को मारता है, फिर उनकी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालता है ताकि यूक्रेन आर्मी हार मान ले। हेड बताते हैं कि हम दो ग्रुप्स में जाएंगे, बिल्डिंग के अंदर वो स्नाइपर है, हम वहाँ पर जाकर उन पर हमला करेंगे। तभी मौके का फायदा उठाकर मैकोला उस स्नाइपर को मार देगा। प्लान बन जाने के बाद ये सब लोग ऐसा ही करते हैं, सभी उस जगह पर जाकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और ये रशियन का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। और मैकोला इसी बात का फायदा उठाकर अंदर जाकर रशियन स्नाइपर को मार देता है। मैकोला अपने साथियों से कहता है कि मेरा रास्ता साफ कर दो। ये सुनकर सभी मैकोला के साथी रशियन आर्मी पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं। अब अंदर जो स्नाइपर छुपकर बैठा था जिसको मैकोला मारने आया था, वो सोचता है कि कोई भी फौजी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा। जब ये ऊपर छत पर चेक करने जाता है तो वहाँ पर जो रशियन स्नाइपर था वो मर चुका था। ये देखकर वो वापस से अपने पोजीशन पर आ जाता है। जब वो सामने मैकोला की बीवी का बनाया हुआ एंजल देखता है तभी मैकोला ऊपर से छलांग लगाकर उस स्नाइपर को मार देता है। जब दूसरे स्नाइपर को थोड़ी आवाज आती है तभी मैकोला उसके पास भी एक बॉम्ब फेंकता है और उस स्नाइपर का काम भी तमाम हो चुका था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब वो स्नाइपर छत पर चेक करने गया था तो उसने फोन करके रशियन आर्मी को बुला लिया था, इसलिए रशियन आर्मी उधर आ रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि उनके स्नाइपर मारे जा चुके हैं। इसलिए जब वो अपने स्नाइपर को कॉल कर रहे थे तो कॉल में कोला उठाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। ये कहकर वो रशियन के ट्रक ड्राइवर पर गोली चला देता है जिसमें सभी रशियन फौजी बैठे थे, इसलिए अब वो बाहर आ गए थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि यूक्रेन के स्नाइपर इन पर पहले ही निशाना लगाकर इंतजार कर रहे थे। तभी वो सब इन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। सभी को मारने के बाद मैकोला अपनी बीवी की कब्र पर जाकर उदास मन से कहता है कि मैंने तुम्हारे कातिलों और अपने दुश्मनों से बदला ले लिया है, मगर अब मुझे अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, इसीलिए मुझे अब जाना होगा। इतना कहकर वो अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और यहीं पर स्नाइपर द वाइट रेवन की कहानी खत्म हो जाती है।